कलंक की शूटिंग हुई शुरू। पहले दिन माधुरी दीक्षित से सेट पर टकराई। फिल्मकार करण जौहर की आगामी फिल्म कलंक की शूटिंग शुरू हो गई है। दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। माधुरी ने कहा, अनिल कपूर और इंद्र कुमार के साथ टोटल धमाल की शूटिंग खत्म की और यह हमेशा की तरह शानदार रही। अब कलंक के सेट पर पहुंची हूं और करण के साथ लुक टेस्ट कर रही हूं। यह सेट काफी बेहतरीन है। आपके सामने इन दोनों फिल्मों को सामने लाने का इंतजार नहीं कर पा रही हूं। बता दें, इस दौरान माधुरी के साथ वरुण धवन और आलिया भट्ट भी फिल्म के सेट पर पहुंचे। गौरतलब है कि वरुण धवन और आलिया भट्ट इससे पहले अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के हिट सॉन्ग तमा तमा पर थिरकते नजर आए थे और इस गाने के लिए खुद माधुरी ने भी दोनों स्टार्स का सपोर्ट किया था। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में फिल्म के गाने को रिक्रिएट कर पेश किया गया था और इस गाने को दर्शकों द्वारा भी काफी पसंद किया गया था। करण के साथ अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री आलिया भट्ट की यह चौथी फिल्म है। उन्होंने फिल्मकार और निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ एक फोटो साझा की। इसमें दोनों फिल्म की क्लिप बोर्ड को पकड़े नजर आ रहे हैं। वरुण ने इस फोटो को ट्वीट करने के साथ एक संदेश में लिखा, शुरू हुई कलंक की शूटिंग। आलिया भट्ट ने भी ट्वीट पर करण, डेविड धवन और नाडियाडवाला के साथ फोटो साझा कर कहा, फिल्म कलंक की शूटिंग का पहला दिन, इन हम लोगों ने मुझे इस सेट को देखने का आमंत्रण दिया। इस फिल्म की शुरुआत का शानदार तरीका है। इस फिल्म के माधुरी के अलावा संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा को भी मुख्य भूमिका में देखा जाएगा। अभिषेक वर्मा के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म 19 अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। इस फिल्म के निर्माता करण, नाडियाडवाला, कीरू यश जौहर और अपूर्वा मेहता हैं। गौरतलब है कि करण जौहर और उनके पिता यश जौहर ने इस फिल्म को बनाने का सपना 15 साल पहले देखा था और अब 15 साल बाद फाइनली इस फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया गया है और फिल्म की कास्ट में भी सभी बड़े सितारों का नाम शामिल है। इस वजह से इस फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता अभी से ही काफी ज्यादा है।